तो वीवो की तरफ से कई सारे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे 2019 में, जो कि यार वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं। अब आपने वीवो जीवन प्रो देख लिया है 15,000 रुपए के अंदर, काफी बढ़िया फोन है यहाँ पर। लेकिन वीवो का S1 7 अगस्त को आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब जो इसकी प्राइसिंग है वो भी काफी अग्रेसिव रहने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वीवो जीवन प्रो से वीवो S1 बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वीवो S1 अभी 7 तारीख को आएगा, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह पर ये पहले ही लॉन्च हो चुका है। तो इसके जो स्पेक हैं वो भी सब सामने आ चुके हैं। और फाइनली एक चीज़ है कि वीवो S1 के लिए आपको वेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लाइक करना, शेयर करना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें दोनों फोन के बिल्ड क्वालिटी से, तो दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगी। दोनों में आपको ग्लोसी बैक पीछे से देखने को मिल जाएगी, यानी कि पॉलीकार्बोनेट की बैक आपको देखने को मिलती है। दोनों में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाते हैं, बट बैक साइड से आप थोड़ा देखोगे तो आपको वीवो S1 थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा प्रीमियम लगेगा, क्योंकि इसमें जो डिजाइन है वो काफी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो वीवो S1 में आपको 6.38 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगी और बेजल्स भी दोस्तों थोड़ी सी आपको बड़ी दिखाई देंगी, यानी कि जैसे Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में देखने को मिलती है, लगभग उसी स्टाइल की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर Vivo के Z1 Pro में जाएं तो आपको 6.53 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों पंच होल टाइप का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बेजल्स भी थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेंगी। तो डिस्प्ले में दोस्तों अगर साइज़ की बात करें और थोड़े डिज़ाइन की बात करें तो आपको वीवो Z1 Pro ज़्यादा बेहतर मिलेगा, जबकि डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो आपको बेहतर देखने को मिलेगी वीवो के S1 में। अभी आपके ऊपर है, आपको चाहिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले या आपको चाहिए IPS LCD बट पंच होल वाली डिस्प्ले। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में यार काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। वीवो के S1 में आपको हेलियो का P65 देखने को मिलेगा, जो कि 12 nm का है और अभी नया चिप सेट है, बट इसमें थोड़ा सा आपको अपग्रेड देखने को मिल जाएगा हेलियो P70 के रिगार्डिंग। अगर इसके स्पेक स्कोर की बात करें एंटूटू बेंचमार्क की, तो आपको 1,45,000 के आसपास इसके स्पेक स्कोर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी डिसेंट है। वहीं अगर हम बात करें वीवो Z1 Pro में, तो आपको स्नैपड्रैगन का 712 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, 10 nm का है और बहुत ही बढ़िया चिपसेट है दोस्तों। यहाँ पर जो स्पेक स्कोर है वीवो के Z1 Pro के, वो आपको 1,80,000 के प्लस देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बात करें गेमिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पर वीवो के Z1 Pro में। अब इसके साथ अगर बात करें दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी डिपार्टमेंट यार दोनों में ही काफ़ी हद तक सेम है, बस दोस्तों आपको अंतर देखने को मिलता है यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी में। आपको जो वीवो S1 में आपको देखने को मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, वहीं आपको देखने को मिलती है वीवो Z1 Pro में 5000 mAh की बैटरी। अगर आप बात करें तो यार एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, तो उससे थोड़ी बहुत बैटरी आपकी कम कंज्यूम होगी जब आप डार्क मोड ऑन करोगे, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो बैटरी बैकअप आपको बेहतर ही देखने को मिलेगा वीवो के Z1 Pro में। तब लास्ट में बात करेंगे कैमरा की, तो कैमरा सेटअप दोनों का ही काफ़ी हद तक सेम है, बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर 32 MP का आपको सेल्फी कैमरा दोनों में देखने को मिलेगा और दोनों ही बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि हैं 16+8+2 MP के। यहाँ पर 8 MP है अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा और 2 MP है दोस्तों डेप्थ सेंसर। अब मुझे लगा था कि 5 MP के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ भी दोस्तों ये 2 MP के साथ ही गए हैं वीवो S1 में। अब ओवरऑल दोस्तों बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले मिलेगा वीवो S1 में, जबकि आपको वीवो Z1 Pro में रेगुलर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वही देखने को मिलने वाला है। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB और 64GB वाले वेरिएंट की प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है वीवो Z1 Pro की 14,990 रुपये। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, डेडिकेटेड आपको SD कार्ड स्लॉट मिलता है, वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा वीवो S1 में भी। यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा में मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इसकी जो प्राइसिंग लीक होकर आई है वो है दोस्तों 4GB और 128GB वाले वेरिएंट की, वो होने वाली है 18,000 के आसपास की। अब प्राइसिंग मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर अगर ये 16,000 के आसपास आएगा तो डेफिनेटली लोग इसको लेने के बारे में सोचेंगे, इससे ऊपर आएगा डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं रहेगा। तो वीवो है ऑफलाइन मार्केट के लिए भी ये फोन आ रहा है, तो इसलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी आपको इन कंपैरिजन जो ऑनलाइन स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं उससे। तो आप बताना आपको कौन सा फोन ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे पर्सनली वीवो Z1 Pro थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है इन कंपैरिजन वीवो S1 के। तो दोनों की अपनी खासियत है, अगर आपको चाहिए बड़ी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस, तो आप जाइए वीवो Z1 Pro के साथ। अगर आपको चाहिए थोड़ा स्टाइलिश लुक और आप कह सकते हो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो आप जाइए वीवो के S1 के साथ। तो इसमें इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत।